जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हम लोग गांव में आए हैं, बरही के एक ऐसे गांव में आए हैं जहां से नीतीश ने एक ऐसी फिल्म बनाई है, वो भी किसानी को, खेती को लेकर, जिसको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। झारखंड में फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिल चुका है, डॉक्यूमेंट्री बनाया है उसने। अब तो चेन्नई और कहाँ तमिलनाडु में भी मिल चुका है इनको अवार्ड, तो दो तीन अवार्ड मिल चुका है। ऐसी फिल्म बनाई है और फिल्म के किरदार में कौन है, ये है, क्या नाम है आपका? दामोदर महतो। आपका क्या नाम है? जामनी देवी। तो देखिए, जामनी देवी, दामोदर महतो जी, ये लोग किरदार में है फिल्म के और डॉक्यूमेंट्री बनाया है नीतीश ने। तो नीतीश, कैसे सोचा ये गांव के बारे में, जो खेती किसानी को लेके जो आपने जोड़ा है, और जो फिल्म मैं देख रहा था फिल्म, तो उसमें किस तरह से जो आस्था को जोड़ा है जी। और कैसे किसान जो है पूरा जिंदगी अपने उसमें देता है और फिर कैसे आस्था से जुड़ा रहता है पूरा, उसके बाद फिर हमारे घर तक वो खाना पहुंचता है, कैसे ये सोच लाया और कैसे इसको पूरा किया? जी, सोच लाने की बात है तो मैं सेंट जेवियर कॉलेज रांची में पढ़ाई कर रहा था मास कम्युनिकेशन का। तो सेकंड ईयर में हमारा एक कोर्स सिलेबस है फिल्म एप्रिसिएशन, और तो वही मैं पढ़ाई कर रहा था, तो एक फिल्म दिखाया गया था पाथर पंचाली, अच्छा, सत्यजीत रे जी का। वो फिल्म देख करके मैं मतलब इतना रिलेट किया उस कैरेक्टर, फिल्म के कैरेक्टर को, अपने गांव के जितने भी कैरेक्टर हैं, बहुत मतलब रिलेट किया। तो वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं भी फिल्म बना सकता हूं अपने गांव पे। तो फिर जब फिल्म बनाया तो फिल्म के लिए कौन सा अवार्ड मिला मतलब? जी, फिल्म का अवार्ड सबसे पहले तो चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था उसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला। अच्छा, उसके बाद दो अवार्ड अभी हाल फिलहाल में जो मुझे मिला है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो दोनों, रोहिप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु और तमिजागम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ चेन्नई। अच्छा, ये तो फिल्म का क्या नाम है? फिल्म का नाम है लक्की माई। लक्की माई क्या होता है मतलब, ये लोग जानते हैं उसका मतलब जी? क्या होता है लक्की माई मतलब? लक्की माई यही होता है खेती। हाँ, अभी खेती उपज है ना। हाँ, वही है लक्की माई। हाँ, उसी पर हम लोग बनाए हैं यार, उसी पर हम लोग बोल बरताव यहाँ तक कोशिश किए हैं। तो आप तो ये अपना जो पोता हुए, क्या जी, नाती हुआ, तो नाती का फिल्म में एक्टिंग किए, पहले कभी एक्टिंग किए थे? नहीं, इन्हीं से किए हैं। इन्हीं से? हाँ। पहले कभी टीवी में आए, फिल्म विल्म बनाए? नहीं, वो सब में कभी नहीं आए। नहीं, किसानी किए हैं जिंदगी। हाँ, लेकिन अब फिल्म में आ गए हैं ना, आपको कैसा लग रहा है मतलब इस फिल्म में काम कर? बहुत बढ़िया। आपने देखे डॉक्यूमेंट्री पूरा? हाँ, साफ देखो रहा है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, यही गांव है, शूटिंग भी लगभग इसी में हुआ है जी, सब कुछ यहीं पे हुआ है, घर में मेरा असिस्टेंट यहीं पे है। मतलब दो तीन साल तो मैं सिर्फ शूट किया। अच्छा, उसके बाद दो साल एडिट किया, मतलब टोटल मुझे 5 साल लगा है इस फिल्म को बनाने में। ठीक है, तो फिल्म के बारे में बताइए क्या है एक्चुअली में? हाँ, देखिए, लक्की माई, लक्की का मतलब हम लोग अनाज को लक्की बोलते हैं और उसको हम लोग देवी का रूप दिए हुए हैं। तो लक्की माई का मतलब यही है कि वो हमारे लिए देवी है, जो अनाज है वो मेरे लिए माँ है, देवी है, इसका मतलब यही है। और इस फिल्म का ये है कि झारखंड के ये पहली ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। हाँ, जो खोटा भाषा में। अच्छा, हमने डायलॉग वो लोग सब इन्होंने सब खोटा में, सब खोटा में। हाँ, और इस फिल्म का जो है सारे अपना भाषा में है, अपना भाषा में, नॉर्मल भाषा में। हाँ, बस ऐसे ही बैठ करके बात जी। पहली फिल्म है झारखंड की, और इस फिल्म में 9 महीने की जर्नी को दिखाए हैं हम लोग, कि कैसे बीज बोने से लेकर के चावल बनने तक, बनने के बाद भी खाने तक जो पूरा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग दिखाए हैं फिल्म के माध्यम से। और इस दरमियान में जो हमारा ट्रेडिशन, कल्चर, रिचुअल जो भी आता है, सब कैसे आता है, और इसके साथ साथ जो इनका मेहनत है, संघर्ष है, ये तीनों का कैसे कोलैबोरेशन से हमने इस फिल्म को तैयार किया है। और यहाँ के लोग वाद्य यंत्र, लोक गीत, लोक फेस्टिवल, कर्मा फेस्टिवल, कर्मा सोहराई, अलग अलग फेस्टिवल। हाँ, मतलब फेस्टिवल जो है 14 फेस्टिवल को दिखाए। राइस के लिए हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, उसको उपजाने में, वो सारे फेस्टिवल का कैसे कैलिब्रेशन है और क्यों सेलिब्रेट करते हैं, पूरा जर्नी को 9 महीने का हम लोग दिखाए हैं इसमें। आइए किरदार से जानते हैं, कैसे स्टार्ट होता है मतलब जो खेती, चावल या खेती जो बनाते हैं, आप घर तक पहुँचते कैसे शुरू हो जाता है? पहले खेती बनाया जाता है, खेत हर बैल से, हर बैल से बना करके उसके बाद में बिया पारा जाता है, और बिया पारने के बाद में फिर उसको पानी देते हैं, बिया तैयार करते हैं, बिया तैयार करने के बाद उसको फिर खेत बनाते हैं रोपने का, खेत बना करके उसको डोहरा चौकी हर चलाते हैं, उसके बाद कबारते हैं, और कबार के उसके बाद में फिर अपना
रोपते हैं और रोप के कंप्लीट जब हो जाती है, जब धान तैयार होता है तो धान तैयार होने के बाद में उसको धान को काट देते हैं, काट के बोझा बांधते हैं, बोझा बांध के खरहान में ले जाते हैं, उसको बैल से चाहे ट्रैक्टर से मंजते हैं, ट्रैक्टर से मंज करके उसके बाद धान को वसा देते हैं, धान को वसा कर को फिर उसको घर में रख देते हैं, फिर उसको ड्राम में फुलाते हैं और फुला कर को उसको फिर आग से उसको उसनते हैं, उसन को उसको फिर सुखाते हैं, सुखा को उसको फिर मिल में डालते हैं, चावल बनाते हैं, चावल बना कर को उसको बार खाना खाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए 9 महीना का प्रोसेस कैसे 2-3 मिनट में बता दिया, तो ये कितना टाइम लगता है इसमें, मतलब ये जो प्रोसेस पूरा बताया आपने, हाँ? कितना टाइम लगता है? 6 महीना का ये बात है, 6 महीना का बात है, हाँ, आप 2 मिनट में बता दिए। हाँ, और देखिए 6 महीना है इसका प्रोडक्शन का, लेकिन 1.5 महीना उससे पहले जो तैयारी होता है पूजा पाठ का, और जब चावल हो जाती है आ जाते हैं हमारे पास, उसके बाद भी जो 1-1.5 महीने का जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट करते हैं, तो ये पूरा जो जर्नी है उसको 9 महीने का। बिल्कुल जी। तो चाची ये बताइए कि कैसे इसको जोड़ते हैं, मतलब आप लोग गाना गा के या फिर जो मतलब आस्था से कैसे जोड़ते हैं इसको? आस्था से जोड़ लिया, जैसे देखे जैसे कर्मा गीत हो, कर्म में गल गया, रफा में गल गया, और ये थी रफा में गल गया से साहब हमारा जैसे साहे साहे ये थी हुए गए से साहब हम गा के और फिल्म में डाल दिलिए हैं। और जैसे लक्खी माँ, लक्खी माँ जैसे बाल बच्चा कोख में रो है 9 महीना, तैसे 9 महीना उपजबे में लक्खी माँ के उपजा के और उनका संभार के 9 महीना में उनका तैयार करो। तो ये सब जो गाना उना गीत उत है वो कहाँ सीखे हैं आप? मतलब वो हमारा नाचो अलग है, गवो अलग है, चंगेर हो अलग है, साहब कोई बाहर से वो हलै गवोल थी पजवोल थी तहाँ सीखो अलग। तो मतलब आपका भी परिवार शुरू से गा रहा है कर रहा है ऐसा? नहीं नहीं तो? कोई नहीं कोई नहीं, हमारे ने अपने हम उतना सीख लिए। अच्छा। हाँ, उतना हमारा अपने में तनी बैसो उठो लिए तो उतना कर्म में गवोल गए, रोपमा में गवोल गए, ब्याह में गवोल गए, तो सब हम दे दल गए, बोले ही सब हम जानो ही। तो इसको कैसे जोड़ रहे हैं, जैसे पूरा जो प्रोसेस है इसको कैसे आप जोड़ रहे हैं आस्था से? जी, आस्था से जोड़ने का मतलब है कि जैसे नानी अभी बताई कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कर्मा पूजा, तो क्यों करते हैं? तो दो कारण होता है। पहला कारण कि एक सिस्टर जो होती है, बहन होती है, अपने भाइयों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए वो पूजा करती है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो अब धीरे धीरे लुप्त हो गया है, कर्मा का क्या होता था कि कर्मा फेस्टिवल जो पौधा है उसको पूजा पाठ करने के बाद उसे यहाँ धान के खेत में गाड़ता था लोग। उससे क्या होता था कि जो आसपास के पंछी वगैरह का बैठने का वो सहारा रहता था, और जब वो वहाँ बैठती थी तो आसपास में जो कीड़े मकोड़े हैं वो खाती थी, तो इससे क्या होता कि फसल अच्छा होता था। जब हमारे पास फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करते थे हम लोग और केमिकल यूज़ नहीं करते थे कीड़े मकोड़े मारने के लिए, तो पहले लोग ऐसे करके साइंटिफिक तरीके से और ट्रेडिशनल तरीके से लोग अच्छा उपज करता था। तो हम लोग फेस्टिवल भी मना रहे हैं और हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, ट्रेडिशन जो हमारा कल्चर है वो भी कर रहे हैं, और इससे हमारा खेती भी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल, समझ रहे। कैसे सोचा आप, चलिए डॉक्यूमेंट्री पे आते हैं लक्की माई के बारे में, तो कैसे सोचा कि हाँ ये कैरेक्टर है इनको लेना चाहिए और ये लोग पूरा ले आएंगे? कैसे सोचा, जैसे बचपन से मैं इनके साथ रहा हूँ, ठीक है, इनको मैं देखा हूँ संघर्ष करते हुए खेतों में, इनके साथ साथ हम भी पीछे पीछे, मतलब बच्चा जब रहते थे तो आते थे जाते थे और सब काम में हाथ बटाते थे, तो ये बचपन से ही शुरू से मतलब देखे हैं, साथ में रहे हैं, तो इस इनके अलावे और मुझे कोई ऐसा विकल्प ही नहीं दिखा कि इनके सिवाय और कोई अच्छा बता सकता है मुझे, क्योंकि हमारे घर के बूढ़ा बुजुर्ग ही है और इनके साथ आप बैठिएगा तो इतना कुछ सीखिएगा, मतलब पुरानी चीज़ें चाहे ट्रेडिशनल चीज़ें हो या फिर लोकगीत है, फोक गीत है, कुछ कहानियाँ पहले की, तो इनसे बैठने पे बहुत कुछ मिलता है हमें। तो देखिए कैसे गांव के कैरेक्टर को लेके एक फिल्म बनाई और फिल्म को जो है बहुत सारे अवार्ड अब मिल रहे हैं धीरे धीरे। तो ये फिल्म पता नहीं अभी तक यूट्यूब में आई नहीं है, लेकिन आएगी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। कब आने वाला है ये?
यूट्यूब में अभी तो नहीं, बट ट्रेलर है, आप ट्रेलर देख सकते हैं। हाँ, लक्की माई डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप अगर टाइप करोगे तो मिल जाएगा। और पूरा फिल्म कब आएगा? पूरे फिल्म अभी तो पूरे दुनिया में घूम रही है। अभी मतलब अभी पूरे भारत में 3-4 जगह पे जा चुके, बाहर विदेशों में भी मैं भेजा हूँ। अच्छा, वहाँ से भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तक हर जगह से अप्रूवल नहीं कंप्लीट होगा तभी आप डालोगे। हाँ, थोड़ा अभी 1-1.5 साल तो टाइम लगेगा। सच में इतना मेहनत किया है तो हर जगह पहले ये अप्लाई करके देख रहे हैं कि कहीं कहीं और अवार्ड मिल जाए। 2-3 अवार्ड मिल चुका है इस फिल्म को। खास बात है इस फिल्म में, हम लोगों ने तो देखा तो काफ़ी अच्छी फिल्म है ये। और उसके बाद फिर जो कैरेक्टर हैं, यहीं के कैरेक्टर को यहीं गाँव का रोल है ना, तो हम उन्हीं के साथ में घो रोल है। हाँ, जहाँ नाना हर नारियल जाल थे तहाँ जा है। कतना मेहनत लखी माई में लागल है से सब मैंने केयर कर लेंगे। हम उन्हीं के साथ में बच्चा रोल है तखने देखो पकड़ लें घूरोल घूरल घूरोल तब वह देख देख मैंने ये कतना मेहनत है लखी मैंने से हिसाब मैंने अखियान ये कैल गल है आर कहें से न खे। तो यही है अब तो ऐसे दिन भर क्या रहता है काम आपका? दिन भर काम यही रहता है। अभी खेती बाड़ी हो गई है, जितना धान फूट गया है वो हमारे ही धान है जितना फूटा हुआ है। हाँ। अभी वहाँ से काम यही निकाले हैं कि थोड़ा गोरु जानवर का ही है ना मैदान। हाँ। इसी में घुमाते हैं। अच्छा। शाम को घर चले जाते हैं। अच्छा, मतलब अब वैसा कुछ मेजर काम नहीं बचा? नहीं, अभी मेजर काम नहीं। हाँ, अभी 1-1.5 महीना बाकी है, उसके बाद फिर काम चालू होगा। हाँ, 1-1.5 महीना के बाद। हाँ। मतलब पक जाएगा, पूरा बड़ा हो जाएगा। हाँ, पक जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद 2 महीना और काम लगेगा। हाँ, 2 महीना। तो ये सबका मतलब दिनचर्या है, मतलब जितने लोग यहाँ पे हैं किसानी कर रहे हैं। बिल्कुल यही है दिनचर्या यहाँ पे गांव में, तो सब जगह लगभग यही मिलेगा आपको। किसान आदमी सब काटता है, मांझता है, वह सौंपता है, ओकरा डराम में बजता है, 24 घंटा फूलता है, फुला के ओकरा उसनबै, 10 रोज 15 रोज ओकरा गरद करबै, तब चावल बनतै, तब चावल बनतै, तब किसान खाय ले बैसो है। बहुत मेहनत। और इसी मेहनत को जो है नितेश ने अपने डॉक्यूमेंट्री में दिखा दिया है। 9 महीना का डॉक्यूमेंट्री को 15-20 मिनट का फिल्म है ना, 26 मिनट का, 26 मिनट के फिल्म में जो दिखाया है, और वही फिल्म जो है हर जगह अवार्ड मिल रहा है। हो सकता है आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे भी पहुंच जाए बहुत जल्द, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग आज आए थे नितीश के गांव में, बरही से थोड़ा दूर। गांव का पूरा नाम क्या है जी? पुरहरा। पुरहरा जी, बरही से, हाँ, बरही चौक से 4 किलोमीटर दूर है, पुरहरा गांव है। और इसी गांव की कहानी को इन्होंने डॉक्यूमेंट्री में बनाया, और उसके बाद फिर उस डॉक्यूमेंट्री को काफ़ी अवार्ड्स मिल रहे हैं।